इनको तो मतलब नहीं कॉलेज से आना कि नहीं आना। तो ये धूप इतनी तेज है इसलिए हम गाड़ी हमारे समोसे आ गए भाई साहब और खा रहे हैं। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं घर की ओर, घर से सीधा चले हैं यहाँ पर रामायण पर, क्योंकि हेलो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव और प्यारे श्री गुड मॉर्निंग। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं अपने कॉलेज की ओर, क्योंकि हमको लेनी है कुछ फाइल जो हम आपसे परसों साझा किए थे, तो उन्हीं फाइल को लेना है क्योंकि परसों नहीं गए थे कॉलेज, तो आज जा रहे हैं। तो हम कुछ फाइलें लेने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, तो जिसको हम आपसे परसों साझा किए थे लेकिन परसों नहीं गए, तो आज जा रहे हैं संडे के दिन, क्योंकि कई लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह बाकी रहेगा तो वही मिलेगा, फाइल भी हमको मिल जाएंगी। तो बने रहे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रिय मित्र जतिन वर्मा जी, काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कि बताते रहते हैं कि जतिन और शुभम को हम ट्रेनिंग देते रहते हैं वीडियो कैसे बनाना है मोबाइल होल्ड करने के लिए, तो आगे का कार्यक्रम यही दिखाएंगे। अगर उससे पहले हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और क्योंकि स्कूटी चलाते हुए हम मोबाइल बहुत कम बनाते वीडियो, इसीलिए जतिन बनाएंगे क्योंकि हम चला रहे हैं अपनी स्कूटी। मिलते हैं आगे, बने रहें हमारे वीडियो पर। दोस्तों आए थे हम कॉलेज, पीछे देख सकते हैं, तो आए थे यहाँ पे फाइल लेने, तो हमारी फाइलें मिल गई हमको उना के अंदर। हम वीडियो नहीं बनाते हैं आपको पता है, आपको फिर से बताते, तो आप अपने आए हैं बाइक के पास, तो यहाँ से लेंगे बाइक और निकलते हैं, मतलब स्कूटी यार बाइक बाइक निकल रही, बाइक इतना चला रहा है पूछो ना। निकलते हैं घर की ओर, घर कहीं भूख लगी कुछ बहुत खाए पियेंगे उसके बाद जाएंगे, यार इतने दिनों बाद आए हैं अभी कौन सोचना चाहिए कि नहीं। सही बात है, इनको तो मतलब नहीं कॉलेज से आना कि नहीं आना है। हमको लग रहा है चार पाँचवें महीने में हमको लग दो बार आए, ये तीसरी बार है हमारे साथ, तीसरी बार ये सिर्फ आते हैं सिर्फ कार्यक्रम देखने यहाँ कॉलेज की बस। क्या देखने? हाँ मोड़ो गाड़ी। तो चलते हैं भाई साहब कॉलेज से बाहर, मिलते हैं क्योंकि कल से एग्ज़ाम है हम छोरों का, और देखिए घूम रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बता दे, हर रात धूप बहुत तगड़ी थी, इतना दो तीन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तीन चार दिन मौसम बढ़िया सही रही है, वो कह बात पाँच छः दिन मौसम बर्बाद, मतलब बर्बाद नहीं मतलब क्या मतलब खराब, क्या ही बताएं यार, पूछो ना। मतलब तीन दिन बढ़िया आराम से मौसम रही है कि हाँ बारिश होने वाली है, अब उसके बाद देख लो बारिश का नामो निशान नहीं, धूप इतनी तगड़ी से गर्मी वापस आ रही है यार। तो ये धूप इतनी तेज है इसलिए हम गाड़ी हम नहीं चला रहे हैं, इस पर हम सुखे को दिए हैं ये गाड़ी जो काम निकाल रहा है और सुखवा रहे हैं नहीं। लड़का बढ़िया है, गाड़ी अच्छी चलाता है। हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपको बोला था ना कि हम इसको आज सुबह को गाड़ी चलाने के लिए और कैमरा चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वही ट्रेनिंग समझिए आप। दोस्तों अपने सतरी रोड पे, मतलब सतरी से जो ये यहाँ पे गई हुई है चिनाट के लिए, तो उस रोड पे एक समोसा लगाता है नदी के पास, तो वहाँ पे खासियत ये बात है समोसे की कि ₹4 का समोसा मिलता जितना बाराबंकी है यहाँ शहर में, 20-15 रुपए के आठ रुपए का और 10 रुपए का समोसा हो गया है, और वही समोसा उससे बड़ा यहाँ मिलेगा 4 रुपए का। आप लोग आओ चिनार रोड पे मंदिर के पास, खाओ पियो मौज मस्ती करो, है ना। हाँ
और सुहाने मौसम का भी मजा लो, क्योंकि उधर के मौसम बढ़िया। देखिए क्या नज़ारे हैं इधर के यार। यहाँ पे सोच रहे थे इसमें हमारा एक गाना शूट होगा, वो कब होगा ये पता नहीं, पर होगा जल्दी ही आएगा ये सा दिन जब हम इसमें गाना अपना शूट करेंगे। तो आज है संडे, कल से है हमारा एग्जाम। और देखिए हम एग्जाम में, देखिए हम लोग ऐसे आदमी हैं कोई नहीं छोड़ते एग्जाम, चाहे जो घूमना है तो घूमना है। हाँ मतलब बात ऐसी है हम लोगों में कि अगर कहीं पर जा रहे हो ना बेटा, मौका ना छोड़ो। मौका तो कत्ता ही नहीं छोड़ना है, भले क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं छूटेंगे, पेपर तो वैसे बढ़िया जाएगा, लेकिन बात यह है मौका मत छोड़ो यार। मौका गया तो फिर पछताते रह जाओगे, पछताने क्या यार। सही बात, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बात जितने बढ़िया बोला। तो हम मिलते सीधे होटल पर। हमारे समोसे आ गए भाई साहब, अब खा रहे हैं जितनी बात हुई घर। बढ़िया तो दोस्तों, खा पी के समोसे खड़े हैं यहाँ पुल पर। और इधर गई है ये चिन्हट रोड, 12-17 चिन्हट, ऐसा देख सकते हैं। मैं पानी बहुत कम था, लेकिन अब बारिश की वजह से पानी बहुत आ रहा है। वहाँ देखिए भैया कपड़े धुल रहे हैं, और इन भाई को देखिए राइडर साहब तैयार हैं हवाई जहाज प्लेन उड़ावे के लिए। नहीं सुजुकी वाली एक बार आवाज़ निकालो, ये सुजुकी की आवाज़ बहुत बढ़िया निकलता है एक बार। ये सुजुकी का आवाज़ है। अगर सुजुकी का आवाज़ आपको बढ़िया लगा तो कमेंट जरूर करो पता सुख के ऊपर। तो अभी के लिए हम निकल रहे हैं घर के लिए पुनः वापस। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि इसमें महादेव मंदिर को हमको जाने का प्लान था। और ये रहा समीर का आश्रम, जहाँ समीर रहता है, लेकिन उसके उपस्थित ना होने के कारण हम नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए अब हम एग्ज़ाम के बाद आएंगे, जब हमको टाइम मिलेगा पुनः उसके। हाँ एग्ज़ाम के बाद आएंगे भाई साहब, तो हम अगली बार आएंगे एग्ज़ाम के बाद, तो हम पुनः मंदिर और जो ब्लॉगिंग है आपको बढ़िया एकदम विस्तार से दिखाएंगे, क्योंकि पीछे एक जंगल है, वो जंगल में शायद नहीं गए हैं। जंगल में भी दिखाएंगे जाके। हाँ वो दिखाएंगे कितना, मतलब बहुत बढ़िया वहाँ के सीन है। अगर देखा जाए तो रील बनाने के लिए, छोटी मोटी शूट के लिए बहुत बढ़िया जगह है। जंगल में आप जाएंगे फिर निकलने का मन नहीं करेगा। हाँ अगर आप जंगल में जाएंगे तो निकलने का मन नहीं करेगा। हाँ ये बात सही है। चलिए मिलते हैं, क्योंकि रोड आगे तो रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ रहा ना, तो मोबाइल भी हिल रहा है, शेक हो रहा है। मिलते हैं सीधे आगे। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हमारी गाड़ी का हाल, क्योंकि परसों हुआ था इससे एक्सीडेंट, भयंकर। और रोडवेज वाले ने इसमें अपना बम्पर लगा के इसका चीड़ फाड़ कोर मास्टम कर दिया। तो एप्लीकेशन डाला गया है, अब देखो क्या हो रहा। तो अभी पहुंचे हैं घर, ये भी है हमारे साथ। घर से सीधा चले हैं यहाँ पर रामायण पर, क्योंकि जो क्या कहते हैं, अचानक से कॉल आया मास्टर साहब का, तो हम सीधे खाना खा के भागते हुए आ गए यहाँ पर रामायण में। हाय गाइस, तो मिल गए हमको ये साहब। तो ये तुम्हारा तो सुबह से हैं भाई, ये बुकिंग वाले हैं, हम बुकिंग वाले नहीं हैं, हम तो फ्री फंड के बुलाए गए हैं। क्या करें, कल से पेपर है, नहीं फिर रुकते रात भर यार। आप पुराने चेले गुरुजी के क्या है, आप तो छोड़ दिए, बुलाते भी नहीं बड़े बड़े भाई, बड़े लोगों को बुलाते हैं हम लोग, कहाँ हम लोग कहाँ छोटे मोटे कलाकार, कहाँ बड़का बड़का लोग कह रहा है, बादल बड़का लोग। और सुनो भाई, तो ये लोग कितने बड़के कलाकार मिलते हैं। हाँ तो अभी मास्टर आएंगे शाम को 7-8 बजे तक, तो हम निकल जाएंगे घर, क्योंकि हमको भी पढ़ाई करेगा यार, पेपर देना है, समझा करो। हाँ हम आए हुए हैं अभी जस्ट, क्योंकि रामायण के बाद निकलने के बाद अंश के वहाँ कहीं यहाँ से बेल की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि कल है यहाँ पे रुद्राभिषेक। तोड़ी नहीं, तोड़ी जा रही, आई मीन तोड़ी जा रही है, ये रही भगवान शिव जी के लिए। तो अभी हम ये काम कंप्लीट करके सीधे जाएंगे अपने घर, तो क्योंकि कल सुबह हमारे पास पेपर है, मतलब सॉरी हमारा कल एग्जाम है, सुबह देने जाना है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तब तक के लिए आज इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बाय बाय बोल, बाय बाय बाय।